सर, जिस तरीके का उलटफेर देखने को मिला झारखंड में, ये इतिहास नहीं रहा है कि झारखंड के अंदर चुनाव के बाद जब चुनाव हो, अगला चुनाव में सरकार रिपीट हो जाए, लेकिन हेमंत सोरेन रिपीट होते हैं। हेमंत सोरेन के रिपीट होने के पीछे का रीजन एग्जैक्टली क्या रहा होगा, आप प्लीज मुझे इलैबोरेट करके बताइएगा। जी आप सभी को प्रणाम पूजा जी। देखिए, दोनों गठबंधनों को मेरी तरफ से बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। महाराष्ट्र में अभी तक का बहुत, मतलब इससे पहले इस तरह का, मतलब है कि जो आश्चर्यजनक जो परिणाम है वो कभी नहीं आया। ये स्ट्राइक रेट इतना भारी भरकम तरीके से, जिस तरीके से भाजपा ने और बाकी जैसे कि मतलब सहयोगी दलों ने लड़ा, उस तरीके मान के चले सभी का बेहतरीन स्ट्राइक रेट, और उसके साथ साथ में जैसे जितने जिस अच्छे मार्जिन का जीत गए तो उसके लिए बधाई उनको भी देता हूँ। साथ साथ देखिए, शनिवार जो है सभी के लिए शुभदायक रहा, सभी के लिए मंगलमय रहा, क्योंकि देखिए इंडिया गठबंधन जो है उन्होंने एक स्टेट को जीता और दूसरे को जो है मायावती ने जीता, तो उस तरह की मान के चलें कि दोनों ही मतलब गठबंधन दल जो है तो उसमें से कोई ये नहीं कहता भाई ठीक है ना ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने काम करते हैं, क्योंकि अगर ईवीएम पे ठीकरा फोड़ने का काम इंडिया गठबंधन अगर करता है तो उसे मान के चलें कि कहीं ना कहीं प्रश्न अपने आप पे लगाने का काम होगा। दूसरा, जैसे कि जैसे आपने झारखंड की बातचीत की पूजा थी, तो उसमें देखिए स्पष्ट तरीके से मैं आपको मतलब कि सिर्फ बहुत संक्षेप में बताता हूँ चीजें कि जिस तरीके से जो जब जेल गए मतलब भ्रष्टाचार को लेकर के, और जैसे कि हेमंत सोरेन जी जेल गए तो उसके बाद में क्या था, आरोप नहीं था कि वो तो सब धुआं हो गया, सुबह से धुआं का मतलब ये हो गया कि चीजें जैसे कि जो मतलब आदिवासी हैं बहुत सीधे साधे लोग होते हैं, सिविलाइजेशन से मॉडर्नाइजेशन को कोई लेन देन कुछ नहीं है, उनके लिए गुरुजी जो है वो सर्वोपरि हैं। जैसे 26% जैसे आदिवासी जो हैं तो उनके लिए आज भी गुरुजी और तीर धनुष जो है वो पत्थर की लकीर है उनके लिए। मतलब एक तरह से जैसे कि हेमंत सोरेन जो है वो गुरुजी के बेटे हैं और उनके पास में उनकी आंखों में अगर एक आंसू अगर आएगा तो उसके लिए खून बहाने को तैयार हो जाएंगे, चाहे उन्होंने गलत किया हो ठीक किया हो। एक और रीजन है दिनेश जी, एक और रीजन है जो शायद थोड़ा सा आप मिस कर रहे हैं, मैं ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगी तो उस पर भी चर्चा करूंगी।